राधा ने लगाया कावेरी को जोरदार तमाचा। साथ ही तुलसी ने भी लिया दामिनी से अपना बदला। जी हां दोस्तों, टीवी सीरियल राधा मोहन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे राधा और दामिनी के बीच कंपटीशन रखा गया था डांस का, जिसमें कावेरी अपनी बेटी को जिताने के लिए राधा के घुंघरू को खराब कर देती है। जब घुंघरू की थाली दामिनी और राधा के पास ले जाई जाती है, तब दामिनी पहले ही घुंघरू उठा लेती है। उसके बाद राधा और दामिनी दोनों डांस करने के लिए तैयार हो जाती है। डांस करते करते राधा के घुंघरू खुल जाते हैं। राधा को इस बात की जरा भी भनक नहीं होती। वही जो राधा के नीचे खुले हुए घुंघरू पड़े हुए होते हैं, उन्हें तुलसी दामिनी के पैरों के नीचे खिसका देती है। ये सब कावेरी भी देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये सब तुलसी ने किया है। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती और इस डांस में जो है दामिनी हार जाती है। लेकिन राधा का ध्यान केवल अपने डांस में था। जब राधा जोरों से घूमना शुरू करती है, तुलसी अपनी शक्ति से कावेरी को राधा के पास भेज देती है, जिसमें राधा घूमते हुए कावेरी को जोरदार तमाचा लग जाता है। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद तालियां भी बजनी शुरू हो जाती है राधा की जीत की। वही राधा सबके सामने कावेरी से माफी मांगती है, गले मिलकर उसे ये भी कहती है कि वैसे तो हमारी कोई गलती नहीं थी, आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। वही कॉम्पिटिशन को जीतने के बाद कावेरी राधा को कहती है, बेटा अपना व्रत तो खोल लो। राधा को भी कावेरी की बात अजीब लगती है, क्योंकि अभी तक तो वो राधा पर इतना ज्यादा गुस्सा थी और इतने में उसे बेटा बताने लगती है। तो अब देखना ये होगा कि क्या दामिनी और कावेरी की ये चाल खीर खिलाने वाली राधा के ऊपर कामयाब हो पाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।